जगदीश सोलंकी जी हमसे बड़ी पीढ़ी के एक महनीय कवि हैं। आजकल देशभक्ति और राष्ट्रवाद के नाम पर बड़ी नारेबाजी हो रही है, लेकिन देशभक्ति और राष्ट्रवाद के रंग को किस विनम्रता और शालीनता के साथ में जगदीश सोलंकी जी कहते हैं, कई यहाँ उनके श्रोता बैठे भी होंगे। मैं चाहता हूँ विशेष मैं कुछ कहूँ उससे अच्छा आप तालियां बजा करके खुद आमंत्रित करें। कोटा हाड़ोती राजस्थान से पधारे आदरणीय जगदीश सोलंकी जी, ये उनके कद के हिसाब से छोटी तालियां थी, एक बार जोर से बजा दे जगदीश सोलंकी। परम पूज्य बापू को मैं सादर अभिवादन करता हूँ। आप सभी पधारे हुए महानुभावों को जितना अच्छा इन्होंने सुनाया उससे ज़्यादा अच्छा आपने सुना है, हम सब कवि आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ये सब बहुत अच्छा लिखते हैं, कलम में मुझसे सब बड़े हैं, उम्र में मैं इनसे बड़ा हूँ। मैं चार चार पंक्तियों से काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। सुने जो पहली पंक्ति है, आप सब पढ़े लिखे लोग, मैं क्या समझा पाऊँगा आपको कि साहब मैं कुछ कह पाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो पहली पंक्ति है ये अर्थ पे नहीं भावार्थ पे टिकी है, आप भावार्थ समझ जाएंगे, मुझे संकेत दे देना, मैं मन मांगता हूँ कविता पढ़ता स्वागतम सुनाऊंगा। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। पढ़ते थे टाट पट्टियों पे जब बैठकर, तब तक धरती की गंध से लगाव था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो के हमें सत्संग से लगाव था। नानी और दादी की कहानी जब सुनते थे, समझो के हमें सत्संग से लगाव था। हमें उन लोगों से विशेष लगाव यहाँ, हमें उन लोगों से विशेष की लगाओ यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हर रंग से लगाओ था। हमें उन लोगों से विशेष की लगाओ यहाँ, जिन्हें तिरंगे के हर रंग से लगाओ था। अरे जंग लगी तलवारें न मिल पाई कभी वहाँ, जिन्हें आज़ादी की खातिर जंग से लगाओ था, जिन्हें आजादी की खातिर जंग से लगाव था। देखिए पता नहीं ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कुछ राजनेताओं ने सैनिकों से सबूत मांगे, मुझे पता नहीं कौन से राजनेता थे। संपत, मैंने दो पंक्तियां कहीं सुनी है अभी, और मुझे पता नहीं कि दो पंक्तियां किसकी है, क्योंकि ये मेरे छंदों की भूमिका है। अब तुम्हें पता हो तो मुझे बता देना, किसी ने कहीं लिखा है जो सबूत मांगे कि जनाजे लौट कर आते तो उन्हें सबूत मिल जाता, जनाजे लौट कर आते तो उन्हें सबूत मिल जाता, सलामत आ गए जांबाज क्या गुस्ताखी हो गई। सलामत आ गए जांबाज, सुनिएगा। कि सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते, होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है। दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार गए। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार गए। अरे आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार गए। और कल्पना करके देखना कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल, ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है। हाथ को भी हाथ न दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरे दुआ के दम से, आंचल की हवा के दम से, बर्फीली चट्टानों पे बारूद को उगाया है। अरे परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके,
उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई हैं, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान है। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। अरे वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान है। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान हैं। पीठ के निशान मेरे हौसले को गाली देंगे, वरना तो जीवन का उद्धार लेके जाता मैं। चाहे इस लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को खुद्दार लेके जाता मैं। शहीद होने से पहले उसने क्या सोचा होगा, उसकी सोच को नमन करना। हर एक घाव को खुद्दार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती गर चंद सांसे, लहू गिरी वीर खुद्दार लेके जाता मैं। अरे हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूं और अपेक्षा करता हूं कि शायद पहली पंक्ति का आप सम्मान कर सके। सुनेगा, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं, दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान देके आया हूं। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान देके आया हूँ। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान देके आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान देके आया हूँ। अरे जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान दे के आया हूँ। बहुत बहुत आभारी। देखिए इन शहीदों पर, इन सैनिकों पर मैं कितना ही लिखूँ, आप कितना ही सुने, इनकी शहादत मेरे लिखे हुए से और आपके सुने हुए से कई लाख गुना ज़्यादा है। मैं आखिरी कवि, इसलिए आपका दायित्व तो बनता है कि थोड़ा सा मुझे हौसला दें, थोड़ा अतिरिक्त मेरे लिए ऊर्जा बचाए। सुनेगा, हमने उन पर गीत लिखे, हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। अगली पंक्ति संभाल लेना, मैं गीत पूरा कर जाऊंगा। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए, जो सरहद पर तो चले गए पर वापस लौट के ना आए। सन 62 में हमारा चाइना से पहला युद्ध हुआ था, हमारा सैकड़ों सैनिक आज भी लापता हैं। इतनी सरकारें आई गई, किसी ने भी उनको तलाश करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया कि किसी किसी की तो अंतिम क्रिया भी अब तक रही अधूरी। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। मेरे मन में एक विचार आता है, हो सकता है अंतिम इच्छा इस तरह की हो। आपको लगे कि मेरे और आपके विचार एक मत हैं, संभालना। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। गर्व के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना, गर्व के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना। रे जहाँ शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। गर्व के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना। रे जहाँ शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। अगर उन्हें जमी लौटा दी तो, उन्हें जमी लौटा दी तो फिर हमें जिंदगी लौटाएंगे। हमने उन और पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर देखना,
कारगिल युद्ध के बाद शहीदों की विधवाओं की हिम्मत के ऐसा नजारा इस धरती पर पहले कभी न देखा। कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा, कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा। हिम्मत तो देखो रे कहाँ से, हिम्मत तो देखो रे कहाँ से, क्या हिम्मत लेती है जो घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती हैं। इस दुनिया में ऐसी नारियां, इस दुनिया में ऐसी नारियां, ये धरती ही जन्माए, हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ, मैं दावा तो नहीं करता लेकिन अगर आप में संवेदनाएं हैं तो शायद मेरी बात आपको समझ में आए। सुनिएगा, सीमा से एक संदेश भेजता है घर पे, संदेश क्या होता है। माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेते हैं, माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेते हैं, और पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं, पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। कहना कुटुम कबीलों से हथियारों के हो गने, और छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने, बेटे से कह देना रे, बेटे से कह देना शहादत से वो भी ना घबराए, हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में न समा पाए, जो सरहद पर तो चले गए। और क्या सुनाओ संपत, उससे पहले मनो वो सुनाओ, लेकिन तिरंगे वाली रचना मेरे निवेदन पर जरूर सुना, उसी से समापन करें। मेरा मन है गीत पढ़ दूं मैं छोटा सा, उसके दो तीन बंद पढ़ दूं। हाँ वो बंद दो, फिर तिरंगा की रचना जरूर। हाँ वो बिल्कुल जरूर सुनाऊंगा, इस कार्यक्रम की उपलब्धि होगी। नहीं वो 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 फिर कभी सुना दूंगा मैं, अलग काम है वो। हाँ देखिए, मैंने ये मेरा अलग तेवर था, ये अलग तेवर है जिसका मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वैसे गीत अक्सर मुखड़े से शुरू किया जाता है, मैं गीत को अंतरे से शुरू कर रहा हूँ। सुनिएगा, ये मेरा थोड़ा सा मेरा मन है, इस गीत को मैं आपको अंतरे से शुरू करता हूँ। सुनिएगा। जो बेगैरत गुजारी न होती तो जिंदगी इतनी भारी न होती। थोड़ा आप खामोश मत रहना अगली लाइनों पर, अभी नहीं। जो बेगैरत गुजारी न होती तो जिंदगी इतनी भारी न होती, हम जो तुम पर भरोसा न करते तो दर्द से रिश्तेदारी न होती, हम जो तुम पर भरोसा न करते तो दर्द से रिश्तेदारी न होती। अपने दीपक बुझाए हैं तब ही, अपने दीपक बुझाए हैं तब ही, उनके घर में उजाले हुए हैं, रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए हैं। आपकी दोस्ती में, आपकी जिंदगी में, आपकी रिश्तेदारी में कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। सुनेगा। दर्द देकर दुलारे गए हैं, जिंदगी दे के मारे गए हैं, दर्द देकर दुलारे गए हैं, जिंदगी दे के मारे गए हैं, जब किनारा था कुछ ही कदम पे कश्तियों से उतारे गए हैं, जब किनारा था कुछ ही कदम पे
कश्तियों से उतारे, और एक पंक्ति अपने साथ ले जाना मेरी ये, कश्तियों से उतारे गए हैं जिनके तन को समाधान समझा, जिनके तन को समाधान समझा, वो खुद ताबीज डाले हुए हैं, जिनके तन को समाधान समझा, वो खुद ताबीज डाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के हम, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो चार पंक्तियाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ईश्वर मुझसे कभी ना पढ़वाए। लेकिन आपने देखा होगा हमारे समाज में कभी कभी हमारे बुजुर्गों के क्या हाल हो जाते हैं, सुनिएगा। मैं जिनको देकर निवाला गया हूँ, उनके दर से उछाला गया हूँ, मैं जिनको देकर निवाला गया हूँ, उनके दर से उछाला गया हूँ, जो घर मैंने बना कर दिया था, मैं उस घर से निकाला गया हूँ, जो घर मैंने बना कर दिया था, मैं उस घर से निकाला गया हूँ। भूख जिंदा रही है हमेशा, दूर हमसे निवाले हुए हैं, रहनुमा तुम हो हर रोशनी के हम अंधेरों के पाले। एक 3-4 मिनट का अंतिम गीत और सुना देता हूँ मैं। तिरंगा सुना दूँ? हाँ, तिरंगा सुनाओ, बहुत अच्छी रचना है। अरे आप तिरंगा सुनाओ। मैं तिरंगा सुना दूँ? दोस्तों, जो कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, आपने बहुत श्रेष्ठ कविताएं इस विषय पर सुनी होंगी, तिरंगा। मेरा प्रयास रहता है कि मैं जिस विषय पर भी लिखूँ थोड़ा सा हटकर लिखूँ, ताकि लोगों को याद रहे, ये मेरा प्रयास रहता है। बहुत अच्छी रचना। इस देश में जब भी सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ता है, हमारी आज़ादी आहत होती है। इस आज़ादी का प्रतीक है तिरंगा। मैंने ये कल्पना की, अगर तिरंगा कुछ सोचदार तिरंगे की जुबान होती तो तिरंगा हमसे क्या कहता है। इस क्या कहने पे आप ध्यान में रखना, आप एक बार मुझे आदेश दें, मैं अपनी सबसे गंभीर कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। सुना दूँ साहब? ये थोड़ा सा इधर। मुझे सम्मान देने को सजाया तीन रंगों में, मुझे सम्मान देने को सजाया तीन रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। ये आंसू की भारत को मेरी आंखों ने गाया है, कभी रोया हूँ मैं छिपकर, कभी मुझको रुलाया है, कभी सुलगा हूँ भीतर तो कभी बाहर जलाया है। जलाने वालों की तासीर को पहचान सब गए, जितना सम्मान कर सको अगली पंक्ति का करना। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब गए, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। अहिंसा की दुहाई दे तुम हिंसा पर उतर आए, जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए, जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। न जाने कौन से
से मजहब के रास्ते से गुजर आए, कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए, कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए, किसी ने बात कब मानी मस्जिद और शिवाले की, मुसीबत कौन समझे उनके भीतर रहने वाले की, तुमने अंधियार बोए हैं जरूरत थी उजाले के, उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है, यहाँ बारूद बनता है वहाँ शीशा पिघलता है, जो खिड़की खोल कर देखो धुआं लौ में बदलता है, जो खिड़की खोल कर देखो धुआं लौ में बदलता है, हकीकत है कि दंगों में क्या जलता है सुलगता है, हकीकत है के दंगों में क्या जलता है सुलगता है, यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है, यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है, ये जो लाशों के व्यापारी गए वो बाजार किसका है, काम कोई संभाले किंतु कारोबार किसका है, हाथ को ये हो लेकिन देखो तो हथियार किसका है, मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है, जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है, जुबान से अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं जो कविता के प्राण है, सुनिएगा। मैं इस धरती की धड़कन हूं, मैं मस्तक हूँ हिमालय का, मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्मद हूँ शिवालय का, मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्मद हूँ शिवालय का, इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ, और मैं दावा करता हूँ अगली पंक्ति आप समझ गए तो भीतर तक हिल जाएंगे, मेरा संकेत समझना, इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ, मेरा बर्ताव मत बदलो मैं आज़ादी की आदत हूँ, मेरा बर्ताव मत बदलो मैं आज़ादी की आदत हूँ, उन्हें दागूँ मैं बरसों से चैन से सो नहीं पाया, ए जिनकी दूरियाँ मुझसे मैं उनको खो नहीं पाया, न जाने फिर अभी तक भी सभी का हो नहीं पाया, है सब मेरे मैं उन सब का ये मन में ठानता सब गए, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है, मुझे सम्मान देने को सजाया तीन रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में, कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की है वो अक्षरधाम के आंसू, जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब गए, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जान